अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नासिर और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेबसाइट BeTechyWithNT.com का एक शॉर्ट टूर करने वाला हूं ताकि इस वेबसाइट पे दी गई इंफॉर्मेशन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके और कैसे हम उसको अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टूर से। दोस्तों स्टार्ट करते हैं होम पेज से। ऊपर आपको क्विक लिंक्स नज़र आएंगे, उसके बाद आपको ये मेन्यू नज़र आएंगे। यहाँ पे कुछ लिंक्स एक्टिव नहीं है, उस पर काम चल रहा है। वो आप वेबसाइट का टूर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से लिंक्स, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस है, इस पर अभी कोई पोस्ट नहीं हुई तो ये कमिंग सून आपको लिखा हुआ आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट वॉच, ये आपको करंट डे की पोजीशन बता रहा होगा क्योंकि आज संडे है और रात का 1 बज रहा है तो मार्केट ऑब्वियसली क्लोज़ है। तो ये हर 5 मिनट बाद अपडेट हो रहा होता है मोस्टली। और यहाँ आपको इंडेक्स की पोजीशन नज़र आ रही होगी कि वॉल्यूम कितना है, हाई कितना, लो, करंट चेंज, लास्ट क्लोजिंग क्या थी। इसके बाद नीचे आपको टॉप 20 वॉल्यूम लीडर्स नज़र आएंगे जिसमें करंट प्राइस चेंज और वॉल्यूम नज़र आएगा आपको। इसके बाद नीचे ये इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी डिफरेंट सी है, ज़्यादातर लोग इसको प्रेजेंट नहीं करते तो सोचा मैं कि अपनी वेबसाइट पे डाल दूँ इसको। बेसिकली ये बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल लकी है तो लकी की करंट प्राइस क्या है, कितना चेंज हुआ है, 23.82 प्राइस इंक्रीज़ हुआ है और कितना ये इंडेक्स को बूस्ट कर रहा है, कितना इंडेक्स को इंक्रीज़ कर रहा है, 65.91 मतलब 66 पॉइंट प्लस इंडेक्स को कर रहा है। इसी तरह ये टॉप 10 है और सेकेंड MCB है जिसमें 3.1 की इसमें पॉजिटिव प्राइस चेंज है और 27.5 इंडेक्स पॉइंट को ये सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह ये शेयर्स इन मंदी है जो कि इंडेक्स को नीचे लेके जा रहे हैं। PPL है, -2.95 है। ऑब्वियसली ये हर 5 मिनट बाद जैसे चार्ट, जैसे ये डाटा अपडेट होता है तो इसमें आपको ये इंडेक्स पॉइंट्स और ये चेंज भी नज़र होता दिखेगा। तो PPL है -4.96 है, POL है, OGDC है। तो लास्ट फ्राइडे को ये मार्केट -4.75 क्लोज हुई थी। तो ये शेयर्स जो टॉप 10 जो हैं वो इन्होंने इंडेक्स को नीचे लाने में काफ़ी मतलब सपोर्ट किया। तो इसके बाद नीचे ये सेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन है लेकिन सेक्टर वाइज है कि जैसे कि मार्केट -4 नेगेटिव थी क्लोज हुई तो ऑयल एंड गैस ने 101 पॉइंट माइनस इंडेक्स को नीचे लाया और फर्टिलाइज़र 31 था। तो ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं जो कि मंदी में थे और टॉप 5 सेक्टर्स इन तेज़ी। तो सीमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट के ज़्यादा इंडेक्स पॉइंट्स ना होते, पॉजिटिव ना होता फ्राइडे को, तो ये इंडेक्स हो सकता है कि 110 अगर फॉर एग्जांपल 0 है तो इंडेक्स आपका 110 प्लस 4 तो -114 इंडेक्स क्लोजिंग होती। तो बेसिकली आपको ये पता चल रहा होता है कि उस वक्त कौन सा शेयर आपका या कौन सा सेक्टर इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहा है और कौन सा सेक्टर या शेयर इंडेक्स को नीचे लेके जा रहा है। तो ये एक इंफॉर्मेशन रियल टाइम में काफ़ी हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड और मार्केट सिचुएशन। उसके बाद नीचे जो है वो आपको पोस्ट रीसेंट जो मैंने की हैं वो आपको नज़र आएंगी और ये सेक्शंस हैं कुछ, लर्न एंड अर्न, स्टॉक मार्केट टुडे, स्टॉक वॉच लिस्ट, ऑटो सेल्स और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा दोस्तों, ये नीचे जो डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, इनको ज़रूर पढ़ लें एक दफ़ा आप, आपकी बेहतरी के लिए कि आप एक दफ़ा देख लें कि इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसका पर्पस क्या है और किस तरह उसको यूज़ किया जाए। और प्राइवेसी पॉलिसी आप पढ़ लें, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वेबसाइट की कि इस वेबसाइट का मकसद क्या है और इस पर डिस्क्लेमर क्या है। तो इसके बाद राइट साइड पे ये आपको क्विक लिंक्स नज़र आ रहे हैं और ये ट्रेंडिंग पोस्ट हैं और ये आपको एक एम्बेडेड टूल है investing.com का जिसमें आपको ये इंटरनेशनल मार्केट के कुछ इंडेक्स पॉइंट्स बता रहा है कि क्या अभी मार्केट कैसे चल रही है, S&P 500, FTSE और ये जो 5-6 मार्केट्स हैं इनका इंटरनेशनल का इंडेक्स पोजीशन बता रहा है। कमोडिटीज़ हैं, इसमें ऑयल की पोजीशन क्या है, कॉपर की क्या है, ये भी रियल टाइम अपडेट हो रहा होता है, investing.com से लिंक्ड है ये। और फॉरेक्स है। ये फॉरेक्स में आपको क्या क्या आपके रेट्स चल रहे हैं अभी, तो ये ज़्यादा इसमें इंडिकेटर्स नहीं डले हुए, ज़्यादा इसमें कंपोनेंट्स नहीं है, तो लिमिटेड हैं जो कि मुझे लगा कि बेहतर होंगे, तो उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट समरी से और देखते हैं कि यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मार्केट इन्फॉर्मेशन ये भी रियल टाइम होती है, हर 5 मिनट या 6 मिनट इस तरह कुछ डिले होता है, और ये वॉल्यूम वाइज शॉर्ट हुई हुई है और कौन से शेयर्स लास्ट क्लोजिंग ओपन हाई जो कि आपको PSX.com पे अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे एज ये है कि आप इसमें एक सेक्टर वाइज, फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाह रहे हैं कि सीमेंट की क्या प्राइसेस हैं, जो कि ये देखें सारे सीमेंट शेयर्स आ गए और एक साथ आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली सीमेंट सेक्टर की। इस तरह अगर आप इसमें कोई और सेक्टर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रिप्ट बहुत जैसे 573 शेयर्स हैं और आप चाह रहे हैं कोई आपको शेयर्स में टॉप में नज़र नहीं आ रहा, मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल TGL ढूंढना चाह रहा हूँ तो TGL ये देखें मेरे सामने आ गया फ़ौरन। या फिर आप यहाँ कंपनी का नेम भी टाइप कर सकते हैं, तारिक ग्लास या फिर स्टेट ऑयल PSO आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आप वेबसाइट पर एक इंफॉर्मेशन आप ईज़िली देख सकते हैं और इसको चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं एज ए CSV फॉर्मेट। अच्छा, BTech की अपडेट्स के अंदर आपको स्टॉक मार्केट टुडे और स्टॉक वॉच लिस्ट नज़र आएगी जो कि सामने आपके ओपन हुई हुई है। ये स्टॉक मार्केट टुडे है और इसमें जो डेली या मैं कुछ दिन स्किप करके मैं पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, तो वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे इसमें, तो आपको ये स्टॉक मार्केट टुडे और ये स्टॉक वॉच लिस्ट भी आपको पोस्ट समझ आना शुरू हो जाएगी काफ़ी हद तक। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस को हम आखिर में देखते हैं, इससे पहले हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी इस पर कोई पोस्ट नहीं, इस पर काम चल रहा है। अच्छा, कंपनी अनाउंसमेंट्स, इसमें क्या होता है बेसिकली आपके सामने ओपन हुआ हुआ है। इस पर जो PSX पे जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है जो हर लिस्टेड कंपनी एज पर लिस्टिंग रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्या है और एज कम्पेयर टू PSX ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे तो अगर आप देखें तो आपको एक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है विदाउट एनी कंपनी वाइज, और काफ़ी इसमें मतलब ढूंढना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है। और ऑल्दो आप Ctrl+F करके सर्च कर सकते हैं तो वो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल डिफरेंट पेजेस पे जाके आपको देखना पड़ता है अगर आप पुराने कोई देखना चाहें। दूसरा एक तरीका ये होता है इसमें कि आप डाटा पोर्टल पे जाते हैं, डाटा पोर्टल पे, और यहाँ जाके आप कंपनी का नेम सिंबल टाइप करते हैं और आपके पास ये पेज खुलता है, और यहाँ अनाउंसमेंट पे क्लिक करके आप उस कंपनी की फाइनेंशियल जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो आप देख लेते हैं, और क्लिक करते हैं वो अलग से पेज खुल जाता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से यहाँ प्रेजेंट की गई है। और इसमें अगर आप देखें 9505 ये 1 जनवरी 2018 से लेकर टू डेट सारी अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हैं। पुरानी मैं इंशाल्लाह जल्द इस पर अपलोड कर दूँगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आप सर्च फीचर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर PSO का देखना चाहूँ बजाय इसके कि मैं डाटा पोर्टल पे जाके सिंबल टाइप करूँ, तो यहाँ देखें आपको सारी PSO की पोस्ट मिल जाएंगी, सारी मटेरियल अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी ये। और यहाँ ये लेटर आ रहा है और अटैचमेंट आ रहा है, लेटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको PDF में जो लेटर कंपनी ने PSX को भेजा है वो यहाँ ओपन हो जाएगा, और अक्सर अटैचमेंट्स भी होती हैं उसके साथ। तो अटैचमेंट्स आपको ये मैं क्लिक करूँगा, ये अटैचमेंट आ गई। तो ये PDF फॉर्मेट पे दोनों हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो कंपनी के नेम से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान स्टेट डिफरेंट नाम टाइप कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कॉन, तो ये डेस्कॉन की सारी आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर बोर्ड मीटिंग लिखें तो ये सारी बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट्स आ गए। इस तरह ये आप इसको जिस तरह चाहें आप सर्च फीचर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स हैं। यहाँ पे आपकी जो रीसेंट फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स होंगी, रिजल्ट्स होते हैं, वो यहाँ आपको नज़र आएंगे और एक डेढ़ महीने पिछले जो जितने भी हैं वो आपको यहाँ मोस्टली नज़र आएंगे। तो यहाँ पे भी सर्च फीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो भी हो कंपनी होगी वो सामने आ जाएगी आपके। और नीचे EPS है, पे आउट इन्होंने शायद कुछ भी नहीं किया। होंडा ने 100% डिविडेंड दिया है। जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सामने आ जाएगी। बुक क्लोजर है और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट पेज जो है वो बुक क्लोजर का है। उसके अंदर आपको ये डिटेल्स नज़र आ रही हैं कि बुक क्लोज कब से होंगी और कब तक होंगी और कितना पे आउट हो चुका है अनाउंस इसका। तो वो आप देख सकते हैं। इस पर भी सर्च फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो पेज है वो पब्लिश फाइनेंशियल्स है, आपके लिए पहले से ओपन करके रखा हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से कि कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें एक पोस्ट भी कर चुका हूँ, हाउ टू 8 थिंग्स टू नो अबाउट अ कंपनी बिफोर यू इन्वेस्ट। उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ कि क्यों हम पब्लिश फाइनेंशियल्स रिव्यू करें। तो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है, गूगल करके ढूंढना पड़ता है क्योंकि वेबसाइट्स पे एक साथ अवेलेबल नहीं होते। तो कोशिश ये की मैंने कि मैं एक ही पेज पे सारी जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं ले आऊँ, जो कि PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाए। तो अभी ज़्यादा कंपनीज नहीं डाली मैंने इसमें, गिनती की हैं और टाइम के साथ साथ मैं इसमें और डालता रहूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इनको आप डाउनलोड करें और फिर यहाँ वेबसाइट पे इसको शेयर करें। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं गंधारा निशान देखना चाहूँ तो गंधारा के सारे फाइनेंशियल्स आ गए और मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो PDF में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह क्या कहते हैं आप इसमें टिकर्स हैं, सिंबल वाइज ढूँढना चाहें वो भी आप ढूँढ सकते हैं, या आप यहाँ पर आप कंपनी का नेम टाइप कर लें तो उस कंपनी के आ जाएगा ये सारे पब्लिश फाइनेंशियल्स। अभी हाफ ईयरली जैसे मैंने क्लिक किया था, देखें ये पूरा पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहें आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टर्स मोस्टली इसको रेफ़र करते हैं ताकि डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल एनालिसिस हो सके कंपनी की बिफोर इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट देख रहे होते हैं, एनुअल ऑडिटर्स रिपोर्ट देख रहे होते हैं और पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग देख रहे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इन्वेस्टर एक इंटरेस्टेड होता है बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। अनाउंसमेंट्स में आखिरी दो चीज़ें हैं, रिसर्च रिपोर्ट और न्यूज़। ये दोनों चीज़ें मैंने अभी तक डाली नहीं है क्योंकि इसमें थोड़े कॉपीराइट के इश्यूज हो सकते हैं। तो इस पर मैं इंशाल्लाह ब्रोकर्स को कुछ ईमेल करके उनसे परमिशन लूँगा ताकि उनकी रिपोर्ट्स सबकी एक ही पेज पे आपको ईज़िली अवेलेबल हो। तो इस पर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपडेट होगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट है की स्टैट्स में, टूल्स के अंदर की स्टैट्स के अंदर इकनॉमिक डाटा आपके लिए मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर आपकी पाकिस्तान की की इकनॉमिक फैक्ट्स इसके अंदर आपको अवेलेबल हैं। करेंसी है जो कि मैं पहले बता दूं, जैसे फ्रीक्वेंसी है ये डेली बेस पर अपडेट हो रहा होता है, ये ईयरली बेस पर अपडेट हो रहा होता है। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो कि ईयरली हैं, बाकी मोस्टली मंथली और डेली हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टॉक मार्केट है वो यहाँ दिखा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, लास्ट अपडेट दिसंबर 2017 का ये नंबर है। इंटरेस्ट रेट 8.5 है, अक्टूबर का लास्ट ये उठाया हुआ है इसने क्योंकि अगर आगे जाके चेंज होता है तो फिर ये यहाँ दिखाएगा। इस तरह ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें आ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान का कितना है इन टर्म्स ऑफ $, ये क्वार्टरली अपडेट हुआ हुआ है, जून 2018 के नंबर हैं ये। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद जो है कि सीमेंट डिस्पैच, ऑटो एनालिसिस, फर्टिलाइज़र डाटा, ये तीनों सेल्स के नंबर्स होते हैं। ये पोस्ट में करता रहता हूँ मंथली बेस पे। ये पाकिस्तान सीमेंट्स के डाटा है और यहाँ पे ये ऑटो का है, इसको हम देखते हैं एक सेकेंड। तो ये आपको दिखा रहा है सीमेंट की सेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018, लोकल कितनी सेल्स हैं, एक्सपोर्ट कितनी है, साउदर्न रीजन से कितनी सेल हुई है और नॉर्दर्न से कितनी हुई है, और टोटल है। इस तरह नीचे कंपनी वाइज भी डाटा आ रहा है और ये प्रीवियस मंथ, प्रायर मंथ और ईयर टू डेट भी कंपैरिजन और वेरिएंसेस दिखा रहा है। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेल्स का भी डाटा है। 4-5 लिस्टेड कंपनीज हैं, उन्हीं के मैं दिखा रहा हूँ इसमें, और प्रोडक्ट वाइज भी इसमें अवेलेबल है। तो आप ये एनालिसिस देख सकते हैं, ये सितंबर 2018 की है, पिछले महीनों की भी मिल जाएगी और टाइमली आगे भी इंशाल्लाह अपडेट होती रहेगी। अच्छा, इस पेज पे आपको पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस नज़र आएंगी और ये चार्ट है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, और जैसे ही नवंबर की सेल्स फाइनल होंगी और पामा की वेबसाइट पे आएंगी तो वो यहाँ अपडेट हो जाएंगी। तो ये आपकी एनालिसिस हैं, और अगर आप पिछले महीनों की भी देखना चाहें तो यहाँ लिंक अवेलेबल है। इसके बाद नीचे अगर आप देखना चाहें तो ये कंपनी वाइज भी एनालिसिस की हुई हैं कि अगर आप देखना चाहें कि लास्ट 12 मंथ्स में क्या ट्रेंड रहा है सेल्स का फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी, जिसमें जैसे PS पाक सुजुकी है और सारी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ का इसमें डाला हुआ है मेजर, साजगार है। और थोड़ा नीचे जाएँ तो प्रोडक्ट एनालिसिस होगी कि मेजर प्रोडक्ट डाल दिए मैंने तकरीबन सारे। सुजुकी स्विफ्ट है, उसकी सेल्स क्या है लास्ट 12 मंथ में, इस तरह तकरीबन मोस्टली सारे मैंने डाल दिए हैं जो अवेलेबल थे, और जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत पड़ सकती है जिन डाटा की वो मैंने डाल दिए हैं सारे। जैसे साजगार का रिक्शा है तो ये इसकी सेल्स हैं लास्ट 12 मंथ्स की। तो ये है ऑटो एनालिसिस। अच्छा, अब हम देख रहे हैं 100 इंडेक्स वेटेजेस। बेसिकली यहाँ पे सारी मैंने 100 इंडेक्स कंपनीज़ का डाटा दिया हुआ है कि वो कितनी सेक्टर वाइज दिया हुआ है और कौन कौन सी कंपनी कितना पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स इंडेक्स। यही इन्फॉर्मेशन होम पेज पे भी अवेलेबल थी, वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टॉप 10 मैंने शो की थी। तो यहाँ पे आपको इस पेज पे तकरीबन सारी 100 इंडेक्स कंपनीज़ का डाटा मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप देखना चाहें कि सीमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सीमेंट ने 23 नवंबर को 110 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, और जिसमें लकी ने 65.9 मतलब 66 पॉइंट्स इंडेक्स को ऊपर लेके गया। OGDC नेगेटिव था तो -27 पॉइंट उसने कंट्रीब्यूट किया। तो इसी तरह हर कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 इंडेक्स का, ताकि आपको बेहतर एनालिसिस आपकी हो सके। अच्छा, अब हम देख रहे हैं सेटलमेंट परसेंटेज। इसके अंदर ये बता रहा होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक की कितनी परसेंट डिलीवरी ली गई है ऑन अ पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जांपल जैसे कि GHNI 55%, अब मान लें कि 1000 शेयर ट्रेड हुए हैं पूरे दिन में, तो उसकी 55% मतलब 1000 का 55 550 शेयर्स लोगों ने उसकी डिलीवरी ली है, उसको हेल्प किया है, उसको बेचा नहीं है सेम डे। 45% शेयर्स जो हैं रिमेनिंग वो लोगों ने सेम डे लेके सेम डे बेच दिए। तो अगर आप देखें तो जो जिनमें ज़्यादा डे ट्रेडिंग होती है उनकी सेटलमेंट रेशियोज काफ़ी लो होती हैं, और जिनमें लोग ज़्यादा होल्ड करते हैं और फ़ौरन नहीं बेचते उनकी परसेंटेजेस सेटलमेंट की ज़्यादा होती हैं। अच्छा, इसका दूसरा एंगल लोग ये देखते हैं जो कि कुछ हद तक सही भी है कि फॉर एग्जांपल ग्लैक्सो 84% है, तो लोग अगर इसको होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर प्राइस आने वाले दिनों में ऊपर जाएगी। तो एक दिन की ऑब्वियसली मैं तो सेटलमेंट परसेंटेज देख के डिसाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने 5 दिन की सेटलमेंट हिस्ट्री यहाँ आपके लिए भी अवेलेबल की है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा, तो उसको देख के हम एंटिसिपेट कर सकते हैं या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर लोग होल्ड कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो वो शेयर ज़रा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं ग्लैक्सो, तो ग्लैक्सो की देखें आप 92%, पहले 11% था, 92% 85, तो मतलब लोग होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जा रही है या जाएगी, लोग बेच नहीं रहे, इसको होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, 5 डे एवरेज 73% जो कि काफ़ी हद तक अच्छी है। तो ये आप डाटा देख सकते हैं, इसमें एक हिस्ट्री भी है, तकरीबन सारे शेयर्स ही हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि शेयर का इन्वेस्टर का क्या परसेप्शन है रिगार्डिंग पर्टिकुलर शेयर। अच्छा, नेक्स्ट जो पेज है वो है फिपिलिपी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक डेली बेस पे अपडेट होता है और इसमें ब्रेक हुआ हुआ है फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर वाइज, और इसकी टाइप्स भी हैं, सेक्टर्स भी हैं। तो जो नेगेटिव आ रहा है रेड में वो उनमें नेट सेलिंग्स भी हैं, और जो पॉजिटिव आ रहा है उनमें नेट बाय हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, अक्सर नंबर्स देख के मैं भी और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई चीज़ ऐसी देखने वाली भी मिस हो जाती है, तो बेहतर होता है कि बंदा चार्ट देख ले। अब जैसे कि ये क्लाइंट टाइप वाइज है, फिपी का चार्ट है कि फिपी ने सबसे ज़्यादा सेलिंग किस में की है, तो ये सामने नज़र आ रहा है -217। सबसे ज़्यादा बाइंग किस में की है, सीमेंट में की है फिपी ने। लोकल इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग किस में की है, ऑयल एंड गैस में। इस तरह सेक्टर वाइज आ रहा है। सेक्टर्स जैसे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सेलिंग किसने की है, बाइंग किसने की, ओवरसी पाकिस्तानी ने, सेलिंग किसने की, एनबीएफसी ने। इसी तरह हर सेक्टर का डिटेल आपको एनालिसिस नज़र आ रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी में 120 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग हुई है, इंश्योरेंस कंपनी ने की है और बाय किसने किया है, इंडिविजुअल्स ने। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं डेली बेस पे अपडेट हो रहा होता है और काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है ये डाटा देख के। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।